गाइस, मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में एक सुपर डायनासोर की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। इसको मैंने दो दिन पहले ही खरीदा है। इसका नाम है सिनोजोइक डायनासोर वर्जन 2। इसके अंदर एटोमाइज्ड फायर ब्रीथिंग भी दे रखी है। बड़ा ही कमाल का डायनासोर है। आज इसकी मैं फाइट कराने वाला हूँ स्ट्रीट ट्रूपर 2-in-1 RC कार के साथ। ये एक रोबोट भी है और इसको कन्वर्ट करके हम लोग एक सुपर RC कार भी बना सकते हैं। चलो गाइस फटाफट से दोनों को करते हैं अनबॉक्सिंग और कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं गाइस दोनों में से आज कौन जीतता है। लेट्स शायद इसका पहले वर्जन 1 आया था। मेरे पास वर्जन 1 तो है नहीं गाइस, मैंने डायरेक्ट वर्जन 2 ही खरीद लिया। और ये सिनोजोइक डायनासोर क्या क्या फीचर्स के साथ आता है सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप इस सिनोजोइक डायनासोर को खरीदना चाहते हो या फिर इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर व्यू प्रोडक्ट बोलकर आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है, आप चाहे तो इसे अमेजोन से भी जाकर खरीद सकते हो। चलो फटाफट से यहाँ से मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, देखते हैं यार इसकी क्वालिटी कैसी है। चलो यहाँ से डायनासोर को निकाल लेते हैं। यार सच में इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा ऑसम लग रही है। प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा मजबूत वाला यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। इसके बाकी के फीचर्स मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ पर है इसकी बैटरी, थोड़ी सी अलग टाइप की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। 600 mAh 4.8 वोल्ट की बैटरी, और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर है और एक रिमोट कंट्रोलर भी दिया हुआ है। लग रहा है कि यार टीवी का रिमोट मैं पकड़ा हूँ। बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट सा रिमोट दे रखा है और इसके अंदर बहुत सारे बटन्स भी मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने डायनासोर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हम लोग एड भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है, पीछे हम लोगों को दो डबल बैटरी डालनी पड़ती है। ये जो रिमोट है IR सेंसर पर चलता है, यहाँ पर इसका IR सेंसर दिया हुआ है। तो गाइस अभी इसको मैं आपको थोड़ा करीब से भी बता देता हूँ। ओह माय गॉड, इसके आईज देखो यार बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रहे हैं। और इसका माउथ जो है थोड़ा सा मूवेबल है, शायद यहीं से ये फायर वगैरह फेंकता होगा। यार यहाँ पर देखो यार एकदम कांटेदार डिजाइन इन लोगों ने बना रखा है। इसके अंदर हम लोगों को वाटर डालना पड़ता है, वाटर इनलेट जो है इसका यहाँ पर दे रखा है। यार ये देखो इसके अंदर बहुत सारा वाटर भी आ जाएगा। यार इसकी पूंछ भी मूव कर रही है, जैसे ही मैं इसका हेड यहाँ पर टर्न कर रहा हूँ शायद 30 डिग्री तक टर्न हो रहा है। ऊपर इसका कैनन है, यहाँ पर इसके 3 डार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोग रिमोट के अंदर एक बटन दबाएंगे यहाँ से ये जो डार्ट्स है फायर होने लगेंगे। छोटा सा एक जॉइंट दे रखा है, यहाँ से थोड़ा सा मूव भी कर रहा है। नीचे की तरफ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 2 व्हील्स और इस तरफ के लेग में 2 व्हील्स दे रखे हैं। बहुत ही ज्यादा डेंजरस सा लुक है इसका। चलो गाइस अभी अपने दूसरे वाले प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। ये रहा गाइस हमारा दूसरा वाला प्रोडक्ट, अंदर बहुत सारे हथियार वगैरह भी लगे हुए गाइस। यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। इसकी जो प्रोग्रामिंग है मैंने पहले ही कर रखी यार, इसको शायद मैंने 3-4 महीने पहले खरीदा था। चलो फटाफट से यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं। अरे यार ये क्या हो गया, इसका तो बॉक्स पहले ही फटा हुआ है। तो यहाँ पर आ चुका है अपना स्ट्रीट ट्रूपर RC रोबोट। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। वाह भाई क्या बात है, देखो यार मैचिंग दे रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पर इसके कुछ डार्ट्स भी मिल जाते हैं हम लोगों को। बैटरी वगैरह इसके अंदर मिलती नहीं है गाइस, इसके अंदर हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते हैं। सामने से अगर आप इसको देखो ना यार, ये एक बहुत ही भयंकर वाले रोबोट के जैसा दिखाई देता है। ऊपर यहाँ पे ये इसके फिन्स जैसा कुछ डिजाइन है, ये इसके साथ पूरी तरीके से अटैच है। यहाँ पर इसके व्हील्स है, यहाँ पर इसके हैंड्स है, ये इंडिविजुअल मूव करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। यहाँ पर एक तलवार जैसा कुछ डिजाइन है, इसके हाथ में यहाँ पर हथियार लगा हुआ है। नीचे यहाँ पर दिखाऊंगा तो ये इसका सेंटर पार्ट है। यहाँ पर देखो और ये इसकी बहुत ही बड़ी कैनन लगा रखी है। ये जो इसके डार्ट्स है बहुत तेजी से फायर भी हो जाता है। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से अगर आप इसको देखो ना यार, ये एक सुपर RC कार के जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखो और इसका स्पॉइलर है, यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर हम लोगों को 6 सेल्स डालने पड़ते हैं यार इसको चलाने के लिए। यहाँ पर इसके मेन व्हील्स लगाए हुए हैं, ये व्हील्स काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं और काफी ज्यादा बड़े साइज के भी है। अभी देखो यार इसको मैं पूरी तरीके से एक सुपर RC कार में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज्यादा कम दे रखा है, इसको हम लोग सिर्फ इंडोर में ही चला सकते हैं। तो गाइस तीनों को यहाँ पे मैंने रख दिया। आज जो मेन फाइट होने वाली है इन तीनों के बीच में होने वाली है। यहाँ पर मैंने एक और डायनासोर को ऐड कर दिया है, ये है वेलोसिराप्टर डायनासोर। ये भी कुछ कम नहीं है गाइस, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल सकता है और ये भी अपने मुंह से फायर वगैरह फेंक सकता है। देखते हैं गाइस तीनों में से आज कौन सा डायनासोर जीतता है या फिर कौन सा रोबोट जीतता है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट।
ओके गाइस, सबसे पहले सेंजो और टीरेक्स डायनासोर को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करते बराबर ही ये अपने मुंह से इस तरह से आग फेंकने लगा है यार, बड़ा ही डेंजरस दिख रहा है। और ये डार्ट्स भी फायर कर रहा है। इसको मैंने नीचे जैसे ही रखा है ये अपने आप ही चलने लगा है। रिमोट के अंदर मैंने एक भी बटन नहीं प्रेस किया है। रिमोट के अंदर ये एक फायर का बटन है, इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया ये अपने मुंह से देखो यार इस तरह से फायर फेंकने लगा है। अभी थोड़ा सा इसके डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं, बैकवर्ड चला के देख लेते हैं तो अच्छा ठीक ठाक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये पीछे की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ा इसको राइट को भी घुमा के देख लेते हैं यार ये क्या होगा। यहाँ पे तो बोल रहा है ये राइट को टर्न होगा, पर यहाँ पर ये राइट को टर्न होते ही देखो यार डार्ट्स भी फायर करने लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि गाइस इस डायनासोर के अंदर कुछ तो दिक्कत है यार, मेरे को लग रहा है कि इसकी प्रोग्रामिंग कुछ तो गड़बड़ा चुकी है। अभी देखो यार यहाँ पे मैंने इसको फाइटिंग मोड में डाल रखा है, फाइटिंग मोड में तो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, अपने मुंह से फायर वगैरह भी फेंक रहा है और इस तरह से घूम भी रहा है और अपने डार्ट्स भी यहाँ पर फायर करने की कोशिश कर रहा है। अभी इसके रिमोट के अंदर एक रॉकेट का भी बटन है, इसको दबा के देखते हैं यार ये क्या करता है। अच्छा तो यहाँ पर ये रॉकेट्स फायर करने लग रहा है, देखो तीनों डायरेक्शन में जाकर तीन रॉकेट्स को फायर करता है और ये जो रॉकेट्स है ना बहुत ज्यादा ऊपर तक भी जा रही है। अभी टेस्ट करते हैं वेलोसिराप्टर डायनासोर को। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है, ऑन करते बराबर ये इस तरह से घुर्राने लगा है। इस फटाफट से इसको मैंने नीचे रख दिया है। देखते हैं अभी इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की दे रखी है, जिस डायरेक्शन में मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ प्रॉपर तरीके से ये डायनासोर चल रहा है गाइस। देख सकते हो अभी मैंने इसको राइट का बटन दबा दिया है, ये प्रॉपर तरीके से राइट को भी टर्न हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मेरे को कंट्रोलिंग के मामले में ये टीरेक्स से बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा है। प्रॉपर तरीके से देखो यार ये स्टेप बाय स्टेप भी चल रहा है। अभी स्प्रे का बटन मैंने दबा दिया, स्प्रे दबाते ही देखो गाइस अभी अपने मुंह से आग फेंकने लगेगा यार, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। और इसका मुंह देखो यार पूरा का पूरा लाल हो रखा है एक टमाटे की तरह। दोनों ही डायनासोर जो है फायर ब्रीथ कर सकते हैं। अभी देखेंगे गाइस कौन सा डायनासोर ज्यादा आग फेंक सकता है अपने मुंह से। यहाँ पे टीरेक्स को मैंने टेस्ट कर लिया है, अभी वेलोसिराप्टर को टेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस वेलोसिराप्टर की जो फायर ब्रीथिंग है थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है टीरेक्स के मुकाबले में। टीरेक्स जब अपने मुंह से आग फेंकता है ना गाइस बहुत ज्यादा डेंजरस भी दिखता है और उसके मुंह से जो आग है बहुत ज्यादा आती हुई भी दिख रही है। अभी टेस्ट करते हैं 2-in-1 रोबो कार को। ये बीच में जो बटन है इसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ देखो ये पूरी तरीके से एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। वापस से मैं वही बटन प्रेस करता हूँ तो ये एक सुपर कार में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज इसके अंदर एकदम गजब की लगी गाइस मेरे को। पहले इसको अपन एक सुपर कार में कन्वर्ट कर यहाँ पर चला के भी देख लेते हैं गाइस। कार को चलाने के लिए जॉयस्टिक्स दोनों आगे की तरफ मूव करना पड़ता है तभी ये फॉरवर्ड होती है और इसको रिवर्स भी करा सकते हैं। ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स मिल जाएंगे, जैसे ही हम लोग ट्रिगर को प्रेस करते हैं ये इस तरह से डार्ट्स वगैरह फायर करने लगते हैं और इसके डार्ट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अभी तीनों की मैं फायर पावर टेस्ट करने वाला हूं। सबसे पहले टीरेक्स को टेस्ट करेंगे गाइस। इसके सामने मैंने ढेर सारे ग्लासेस जमा दिए हैं, देखते हैं कितने रॉकेट्स फायर करने के बाद ये सारे ग्लासेस ये गिरा पाता है। एक रॉकेट मैंने फायर कर दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 ग्लासेस नीचे की तरफ गिर चुके हैं। इसके अंदर एक दिक्कत मेरे को लग रही है, जैसे ही मैं रिमोट के अंदर एक बार बटन दबा रहा हूँ ये तीनों के तीनों रॉकेट जो है एक बार में ही फायर कर रहा है। ये एक दिक्कत लग रही है गाइस मेरे को इसके अंदर। अभी टेस्ट करते हैं 2-in-1 रोबो कार को। एक रॉकेट मैंने फायर कर दिया था यार कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे रॉकेट में देखो यार यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे ग्लासेस गिर चुके हैं। इसकी एमिंग मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है यार, क्योंकि इस कार को जो हम लोग जो डायरेक्शन में चाहे वो डायरेक्शन में मूव करके जो ग्लास पर फायर करना चाहते हैं वो ग्लास पर फायर कर सकते हैं। और रिमोट के अंदर मैं जैसे जैसे एक बार बटन प्रेस कर रहा हूँ एक रॉकेट इसके अंदर से निकले जा रही है। तो क्लियरली यहाँ पर अपनी 2-in-1 रोबो कार जीत चुकी है। अभी इन दोनों की आमने सामने वाली फाइट कराएंगे, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर वेलोसिराप्टर पहले आगे की तरफ आ चुका है टीरेक्स को मारने के लिए। यहाँ पर टीरेक्स नीचे गिरने ही वाला था गाइस, इसकी पूंछ से इसने अपने आप को बैलेंस करके यहाँ पे रोक रखा है और इसका एक लेग भी देखो यार यहाँ पर फंसा रखा है ताकि ये नीचे ना गिर सके। अभी देखते हैं गाइस यहाँ पर वेलोसिराप्टर इसको धक्का मारकर नीचे गिरा पाता है नहीं। उतने में देखो यार टीरेक्स ने इसके सर पर अपने हाथ से एक धक्का मारा और यहाँ पर वेलोसिराप्टर नीचे की तरफ ढेर हो चुका। क्लियरली टीरेक्स जीत चुका है यहाँ पर। अभी इन दोनों के बीच में फाइट करा के देखते हैं गाइस, यहाँ पे पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में एकदम टफ फाइट चल रही है। उतनी में ही 2-in-1 रोबो कार ने देखो यार अपने कैनन से फायर करना चालू कर चुका है। इसने देखो यार ऑलमोस्ट 5 रॉकेट्स इसके पेट में फायर कर दिए हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी यहाँ पे ढकेल नहीं पा रहे। मेरे को लग रहा है कि दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम पावर दे रखी है। दोनों के बीच में टाई हो चुका है। ठीक है गाइस, आमने सामने वाली फाइट में कुछ पता चला नहीं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ और दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दिया। देखते हैं गाइस अभी कौन जीतता है। यहाँ पर देखो यार अपनी 2-in-1 रोबो कार टीरेक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो गाइस इसने तो इसको नीचे भी गिरा दिया है। 2-in-1 रोबो कार यहां पर जीत चुकी है बहुत ही इजीली। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों रोबोट्स में से कौन सा रोबोट पसंद है। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है रितेश, शोएब, अरफत, शिवराज, अयांश, अभिनव, शफीन, अक्रम, अबनीश, घनश्याम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।